रात के 11 बज रहे थे। विनय कुमार अपनी पत्नी पिंकी को लाने उसके मायके यानी अपने ससुराल गया हुआ था और खाना पानी खाकर बरामदे में ससुर के बगल चारपाई बिछा कर लेता हुआ था। तभी इसी बीच उसकी पत्नी पिंकी उसके पास पहुंच गई और बेटे से मिलने का बहाना बनाकर उसे अपने पास बुला लाई और बोली, जब से तुम परदेश गए हो तब से मैं तुमसे मिलने के लिए तरस गई हूँ। आज तुम हमारे पास हो तो अपने होने का एहसास करा दो। जिसके बाद वह कहने लगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, एहसास कराने के लिए ही तो मैं प्रदेश से वापस घर आया हूँ। ऐसा कहकर विनय कुमार तुरंत अपनी पत्नी पिंकी से नागिन की तरह लिपट गया और प्यार करने लगा। इस दौरान दोनों इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि दोनों अपनी सीमाओं को लांघ कर जोर जोर से कामुक भरी आवाजें निकालने लगे। कुछ देर बाद जब इन दोनों की आवाजें विनय कुमार की सास यानी पिंकी की माँ शर्मिली ने सुनी तो वे भौंचक्की रह गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी, आखिर बात क्या है जो इतनी रात को हमारी बेटी के रूम से इस तरह की आवाजें आ रही है। दामाद तो हमारा बरामदे में लेटा हुआ था, फिर ऐसी आवाजें लगातार उसके रूम से कैसे आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बेटी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो? इस तरह की बातों को शर्मीली सोचकर तुरंत अपने बिस्तर से उठी और दबे पांव उसके रूम के पास पहुंच गई तो देखी बेटी पिंकी आराम से दामाद विनय कुमार को अपने रूम में बुलाकर शारीरिक सुख प्राप्त कर रही हैं। ऐसा नजारा देखकर सासू शर्मीली सिराहा नहीं गया और वह तुरंत अपने दामाद विनय कुमार से मिलने के लिए बेकाबू हो गई और खासने की नाटक करने लगी। अब जैसे ही विनय कुमार और उसकी पत्नी पिंकी ने खासने की आवाजें सुनी तो वैसे ही वह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अपने अपने बिस्तर पर आकर सो गए। फिर क्या था, सास शर्मीली तो यही चाहती ही थी कि उसका दामाद उसकी बेटी से अलग हो जाए और सुनहरे मौके का फायदा उठा लिया जाए। अब जैसे ही विनय कुमार अपनी पत्नी पिंकी से आधा अधूरा प्यार करके अपने बिस्तर पर आया तो वैसे ही पीछे से घात लगाई बैठी उसकी सास शर्मीली भी उसके बिस्तर पर पहुंच गई। बरामदे में अंधेरा था, दामाद विनय कुमार देख नहीं पाया कि हमारी पत्नी है या सास। विनय सास को पत्नी समझकर अपने बिस्तर पर पटक दिया और 61-62 गेम खेलने लगा। कुछ देर 61-62 गेम खेलने के बाद जब उसका बदन हल्का हुआ तो वे अपनी सास को पत्नी समझकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ पिंकी जी, अभी तुम्हारा दिल खुश नहीं हुआ क्या? तो उसकी सास शर्मीली बोली, नहीं अभी और करो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत मजा आ रहा है। इस तरह की बातों को सुनकर दामाद विनय कुमार भौंचक कर रह गया और सोचने लगा कि ये तो मेरी सासू जी की आवाज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी पत्नी की जगह वह स्वयं ही चली आई हो। इस तरह की बातों को वह सोच ही रहा था तभी उसकी सास शर्मीली फिर से बोली, क्या सोच रहे हो विनय कुमार? जो तुम सोच रहे हो वे बिल्कुल सही सोच रहे हो, मगर शोर मत मचाना क्योंकि हमारे पति यानी तुम्हारे ससुर जी बगल में ही लेते हुए हैं। कहीं इसकी भनक उनको लग गई तो फिर ना जाने क्या हो जाए। सास के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर दामाद विनय कुमार डर गया और जैसे जैसे उसकी सास उससे कहती गई वे उसके साथ वैसे वैसे ही प्यार करता गया। इस तरह सास और दामाद दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गया और यह अवैध संबंध आए दिन लगातार धरने से चलने लगा क्योंकि दामाद विनय कुमार को भी धीरे धीरे अपनी सास शर्मीली के साथ मजा आने लगा था। वह जब भी उसे फोन करके अपने घर बुलाती तो वह दौड़ा चला आता था और अपनी सास शर्मीली के गेम बजाकर वापस अपने घर चला जाता था। इस तरह सास और दामाद आए दिन मौका देखकर एक दूसरे के साथ रंगरेलियां मनाते रहे, मगर कहते हैं दोस्तों, बुराई पर कितना भी पर्दा डाल लो, सच्चाई तो एक ना एक दिन जरूर निकल कर सामने आ ही जाती है। ठीक ऐसे ही हुआ। एक रात जब विनय कुमार अपनी सास शर्मीली के बुलाने पर उसके घर पहुंचा तो उसकी साली को कुछ शक हो गया, जिसके बाद उसकी साली उसी रात के अंधेरे में अपनी माँ के साथ टॉर्च की रोशनी में नाजायज संबंध बनाते हुए देख लिया और इसकी सूचना अपनी बड़ी बहन पिंकी को दे दी, जिसके बाद पिंकी अपने पति विनय कुमार को खूब डांटी और मायके जाने पर रोक लगा दिया। तो देखा दोस्तों।
आपने आजकल समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर घट रही है, इसलिए आप अपराधी मानसिकता को समझें और सतर्क रहें।